आप देख रहे हैं रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना जाना था लेकिन उसके लिए एक ऐप है ईद मरना, उससे परमिट लेनी पड़ती है। तो परमिट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ले ली है। आज जुमेरात की रात है, मतलब जुम्मे की रात है, बाबरकत वक्त है। तकरीबन टाइम हो रहा है 12:30। अब मैं जा रहा हूँ रियाजुल जन्ना की तरफ। वहाँ पर इंशाल्लाह जाके 2 रकअत नफिल पढ़ेंगे। रियाजुल जन्ना जो है जन्नत का एक टुकड़ा है जो दुनिया में अल्लाह पाक ने हमें अता किया है। तो वहाँ की नमाज पढ़ने की अलग ही फजीलियत है। तो इंशाल्लाह अंदर जाएंगे, आपको भी ज़ियारत कराएंगे। तो ये आ गए हम मस्जिद नबवी के पास। माशाल्लाह रात के तकरीबन 1:15 हो गए हैं, लेकिन देखें रश ही रश है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है हर वक्त आपको रश मिलेगा। अब रियाजुल जन्ना की जो एंट्रेंस है मेरे ख्याल से यहाँ से, तो जाते हैं, लाइन में लगेंगे, नंबर का वेट करेंगे इंशाल्लाह। ये रास्ता है रियाजुल जन्ना का। यहाँ पे ये आपकी ऐप चेक करेंगे जो आगे खड़े हैं चेक करने के लिए, और फिर आपको जाने देंगे। यहाँ लेफ़्ट साइड पर हम वेट करेंगे, जो हमसे पहले लोग गए हैं उनके निकलने का, फिर ये हमें अंदर भेजेंगे यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, ये सब लोग जो है वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का अंदर जाने का रियाजुल जन्ना में। तो फाइनली कुछ देर वेट करने के बाद हमारी जो है अंदर एंट्री हो रही है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये एंट्रेंस का पार्ट है, कितना खूबसूरत है और जो है बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह। चलते हैं आगे। ये हम एंटर हो गए रियाजुल जन्ना के हत्ते में। लेफ्ट साइड पे जो है आपको सबसे पहले जमजम ऑफर किया जाता है, जमजम लेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे इन्होंने जगह बनाई हुई है, जो मेन जगह है रियाजुल जन्ना की। यहाँ पे 2 रकअत नफिल अदा करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं आगे का पार्ट जो है रियाजुल जन्ना का। ये माशाल्लाह पूरी जगह है, आप देख रहे हैं रियाजुल जन्ना, माशाल्लाह खूबसूरती चेक करें। यहाँ 2 नफिल अदा किए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे। बहुत मुकद्दस जगह है ये, बहुत मुकद्दस रोज़ा है। रियाजुल जन्ना के बाद रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन खत्ताब, अभी अबू बकर, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह वाला अली वसल्लम, अस्सलातु वस्सलाम या उमर फारूक, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الحمد لله हमने रियाजुल जन्ना की ज़ियारत की, वहाँ पे 2 रकअत नफिल अदा की। जितने लोगों ने मुझसे कहा था सलाम का, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनका सलाम पेश किया, और जो है कुल मोमिनीन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात की तरफ से भी सलाम पेश किया। अल्लाह पाक इस ज़ियारत को कबूल फरमाए अपनी बारगाह में, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक
तमाम देखने वाले लोगों को और सब मुसलमानों को इस जगह की ज़ियारत नसीब करे। आमीन। मिलेंगे कल इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।